बहुचर्चित रसाना मामले की सुनवाई जम्मू कश्मीर रियासत के बाहर पंजाब के पठानकोट जिला स्थित सेशन कोर्ट में शुरू हो गई है। कठुआ जिला जेल से रसाना मामले के 8 में से 7 आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच पठानकोट ले जाया गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस केस की सुनवाई अब पठानकोट स्थित सेशन कोर्ट में होगी। पंजाब पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। सुबह 11 बजे से लेकर शाम करीब 3:30 बजे तक कोर्ट में कानूनी प्रक्रिया चलती रही। पठानकोट कोर्ट परिसर में विशेष तौर पर सीसीटीवी कैमरों की भी नजर थी। आपको बता दें कि अब तक इस पूरे केस की देखरेख माननीय सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। आरोपियों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर तेजविंदर सिंह की अदालत में पेश किया गया। कर पाऊंगा लेकिन सिर मैंने जो मोटी मोटी आउटलाइन में शेयर कर रहा हूं आपके साथ कि साहब एक दरखास्त आई है कि मुजरिमों को पठानकोट ट्रांसफर किया जाए। हमने उस पर एतराज़ उठाया है। कोर्ट ने कहा राइटिंग दे दो, आपको क्या एतराज़ है? तो हमने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जैसे आदेश था वो फाइल ट्रांसफर करो, तो इसमें हम प्रोसीडिंग आप जज साहब ने फैसला करना है। जज साहब ने हमारी बहस नहीं, अभी वो कल होगी बहस। तो आज जो ये अक्यूज है इनको अभी कहाँ ले जाएगा? वापस कठुआ जाए? अभी तो कठुआ में जाएं, क्योंकि अभी डिसाइड नहीं किया जज साहब ने कि कहाँ रखना है। तो इसलिए आप कह रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन ने अभी फॉर्मली एप्लीकेशन डाल दी कि इनको जो है पठानकोट जेल में शिफ्ट किया, और आपने ऑब्जेक्शन रेज की है? हमने ऑब्जेक्शन जुबानी रेज किया है, कोर्ट ने कहा राइटिंग दो कल तक। आई कैन टेल यू ओनली फ्यू लाइंस, नॉट इनसाइड द कंप्लीट डे प्रोसीडिंग्स, दैट द प्रोसिक्यूशन काउंसिल अपीयर्ड ऑन बिहाफ ऑफ सम प्राइवेट पर्सन विच वी ऑब्जेक्टेड एंड दे कैन नॉट अपीयर। कोर्ट हैज सेड दैट ओनली नोटिफिकेशन पर्सन होल्डिंग द नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कैन अपीयर। दे आर द 3 पर्सन्स, 2 वॉज ऑलरेडी अपॉइंटेड इन द कठुआ कोर्ट एंड 1 पर्सन हैज बीन अपॉइंटेड मिस्टर बत्रा फ्रॉम दिस दिस हैज बीन अपॉइंटेड फ्रॉम गुरदासपुर। They all have been allowed to today appear, but other persons court has debarred them. So you are saying 3 of them carried the government notification? Yes, they carried the government notification. The rest of them not. They so who were the ones who could not bring the government notification? I cannot tell you the name because that will be part they of were the private lawyers or the government private lawyers? Private lawyers. Okay. But I cannot tell you the name. So what about the charge sheet? Charge sheet argument has started today. Okay. But the court has directed the crime branch to give a translated copy. Yes, by Monday. Can you just say? Yes, the translation copy has not been given provided to the court till date, and we have also raised the objection that Supreme Court has given a direction on 7th of May, and till today they are not in a position. The mighty power, they were the government of Jammu and Kashmir were saying conclude the trial within 2 months, conclude everything. They could not get even a 500 pages the translation till date, and they could not submit it to the court. Okay. So this is very lame excuses. So, आज prosecution ने अपना केस खोला जहां briefly
केस की जो बैकग्राउंड इन्होंने चालान में बनाई है उसके ऊपर चर्चा हुई। 15 से 20 मिनट आर्ग्यू करने के बाद कल तक के लिए प्रोसीडिंग्स जो हैं एडजर्न की गई। जैसा कि पहले आपको बताया, फर्स्ट हाफ में ये डिसाइड हो चुका था कि ट्रांसलेटेड कॉपीज़ जो हैं वो 4 तारीख तक प्रोवाइड करवानी है। उसके बाद एक क्वेश्चन अटका हुआ था कि क्या ट्रांसलेटेड कॉपीज़ जो होंगी चालान की वो एक्यूज्ड के लॉयर्स को प्रोवाइड की जाएंगी या केवल कोर्ट को दी जाएंगी। तो इसमें ब्रीफ आर्ग्यूमेंट्स के बाद जज साहब ने ये फैसला दिया कि सब लॉयर्स हैं जो एक्यूज्ड के, 7 कॉपीज़ ईच लॉयर को मिलेगी, ट्रांसलेटेड अंग्रेजी कॉपी मिलेगी। इस चीज़ को लेके हल्की सी ऑब्जेक्शन प्रोसिक्यूशन की साइड से आई थी, लेकिन वो ओवर रूल की गई और फाइनली यही डिसाइड किया गया कि ट्रांसलेटेड कॉपीज़ भी जो हैं चालान की वो भी एक्यूज्ड के लॉयर्स को दी जाएंगी। इसके अलावा नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग जो है वो कल भी रखी गई है, लेकिन मुख्य तौर से 4 तारीख के बाद ही, जब ये ट्रांसलेटेड वर्जन आ जाएंगे उसके बाद ही ट्रायल स्टार्ट होगा। क्या अभियुक्तों को भी वापस आना पड़ेगा कल से? या देखिए, इनकी डेली प्रेजेंस होगी, इस तरीके का कोई ऑर्डर नहीं हुआ है कि दे हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अपीयरिंग इन द कोर्ट, उन्हें आना पड़ेगा। और पुलिस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें सेफली यहाँ पर लाए, उनके खाने पीने का, सिक्योरिटी का विशेष प्रबंध करे। ये सब चीज़ें ऑर्डर में रिफ्लेक्ट हुई हैं, शाम तक या कुछ देर में भी ऑर्डर भी सामने आ जाएगा, उसके बाद एक बढ़िया ढंग से रिपोर्टिंग उस ऑर्डर को लेके हो सकती है। फिलहाल कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग्स हुई उसका मैं व्याख्यान कर रहा हूँ। कुछ ऐसा भी है कि टाइमलाइन को खाना नहीं मिला था अभियुक्तों को, कुछ ऐसे नहीं? देखिए, ये छोटी माइनर चीज़ें होती हैं, कभी ऊपर नीचे हो जाता है। बॉटम लाइन ये है कि इनको एक्यूज़ को खाना मिल गया, उसमें थोड़ी सी देरी हुई, लेकिन जैसे ही एक्यूज़ के लॉयर्स की तरफ से पॉइंट आउट किया गया कि इन्हें खाना नहीं दिया गया है, इनके खाने की व्यवस्था नहीं की गई है, चूंकि वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में है कि इन्हें खाने की और इनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी, तो एकदम से कंप्लाई करते हुए प्रोसिक्यूशन ने थोड़ी देर में, आधे घंटे में खाने का प्रबंध किया और वहाँ से खाना खा के निकले। सर, कस्टडी इनको पठानकोट पुलिस को देने के बाद एप्लीकेशन लगी थी? देखिए, वो केवल एप्लीकेशन लगी है जिसको स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया है एक्यूज के लॉयर्स ने। उसके ऊपर भी जज साहब ने आदेश दिए हैं कि 4 तारीख तक आप अपनी ऑब्जेक्शंस फाइल करिए इस एप्लीकेशन को लेके। तो जब हमारी ऑब्जेक्शंस फाइल हो जाएंगी उसके बाद उस पर आर्ग्यूमेंट्स होंगे और आर्ग्यूमेंट्स के बाद जज साहब ये फैसला देंगे कि क्या जुडिशियल कस्टडी इनकी शिफ्ट होगी कठुआ से पठानकोट या नहीं। उसमें विशेष तौर पर स्टेट ऑफ पंजाब से भी जवाब मांगा गया है, क्योंकि ये इंटर स्टेट मामला है, स्टेट ऑफ J&K और स्टेट ऑफ पंजाब इन्वॉल्व रहेंगी, जेल अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व रहेंगी, इसलिए स्टेट ऑफ पंजाब को भी अपना एक स्टैंड लेना है जो रिटन आर्ग्यूमेंट्स के माध्यम से वो कोर्ट के सामने रखेंगे, जिसके बाद तर्कों के बाद फैसला होगा। पठानकोट से मोहन शर्मा, अलर्ट इंडिया न्यूज़।